में बुलडोजर और सीधी तस्वीरें हम आपको जहांगीरपुरी इलाके की दिखा देते हैं, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर की कार्रवाई जारी है। यहां पर कुछ महिलाएं जरूर विरोध करती हुई नजर आ रही हैं, रोती बिलखती नजर आ रही हैं। ये कोल्ड ड्रिंक में हमने कुछ नहीं बोला, आके तोड़ दिया। तो पहले तो बोलना चाहिए, पुलिस वाले में तो थे, उन्हें तो बोलना चाहिए। इतना दिन से रही मां, रही मां, 15 साल से दुकान है, तब तो कुछ नहीं बोला। हिंदू हिंदू मुस्लिम के झगड़े में तोड़ दिया, इतने दिन से नहीं तोड़ा। पहले तो बोलना चाहिए था, पहले 15 साल से ये दुकान है, 15 साल से है, इतना दिन नजर नहीं आ रहे, इल्लीगल। अब नजर आ रही है, पहले नजर नहीं आए थे, अब हिंदू मुस्लिम के झगड़े में नजर आए। रही माँ इसलिए तो तोड़ा, रही माँ इसलिए तोड़ दिया। कोल्ड ड्रिंक की दुकान के अंदर पानी दुखता है, ये सब बेचते। माता जी कब से रह रही है? सर्वर तो दो है सर। हाँ जी, मैं बीच में चेंज नहीं करूँ, शायद इधर की तरफ आएंगे ना, अभी चेंज ही कर लेता हूँ। अब आपका कॉल आया था, ठीक है। वहां पर जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। जहांगीरपुरी हिंसा प्रभावित इलाके में पहुंचा बुलडोजर, 9 जेसीबी मशीनों से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि कुछ महिलाएं यहां पर जरूर इसका विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि 15 सालों से हम यहां पर रह रहे थे, इससे पहले किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और अब अचानक से ये कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर कुछ लोग हैं तो इसका विरोध भी करें। हालांकि स्थिति तनावपूर्ण नहीं है, भारी सुरक्षा बल तैनात है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। जो अवैध अतिक्रमण था उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इधर तो आएंगे, वहीं तो सारे इधर आ रहे हैं। वापिस आऊँ? आप जैसे आप बोलो, मुझे गाइड करो ना। हाँ हाँ, मस्जिद दिख रही है, सामने रोड दिख रहा है पूरा, जो जो सामान भर के ले जा रहे हैं वो गाड़ी इधर से जा रही है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन अलर्ट, जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वो दिख रहा है, मस्जिद भी दिख रही है, और ये सारे खड़े हैं, ये सब दिख रहे हैं। नीचे आऊँ? ठीक, शॉप पे आऊँ? ठीक। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अवैध अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार की जा रही है। जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इलाके की, जहां पर पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, साथ ही साथ अवैध अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। दंगाइयों को एक बड़ा
मैसेज देने की कोशिश इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से दिया जा रहा है। जागीरपुरी में अवैध अतिक्रमण हटाने का काम शुरू, हिंसा प्रभावित इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात। क्या क्या है तो मेरा लाइट शट ऑफ। हाँ जी हाँ जी सुनील जी सरबजीत। और लगातार हमारे संवाददाता प्रिंस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं। प्रिंस, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ माहौल जो है फिलहाल देखने को मिल रहा है? लगातार हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बुलडोजर द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी शोभा यात्रा के दौरान, आज कहीं ना कहीं जो एनसीबी की जो है बुलडोजर जो है आज यहाँ पे चल चुकी है, यानी इंक्रोचमेंट को हटाने को कहीं ना कहीं जो इंक्रोचमेंट थी अवैध तरीके से थी और अवैध तरीके से इन्होंने पूरा रोडों के कब्जा कर रखा था, पूरा घेराव कर रखा था। लेकिन आज दिल्ली पुलिस के 1500 जवान पैरा मिलिट्री सहित यानी एमसीडी की बड़ी कार्रवाई जो है सुबह 8 बजे जो है आ गई थी कि इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा, जिससे जो है काफी संख्या में दिल्ली पुलिस को पैरा मिलिट्री को जो है यहाँ पे तैनात किया गया था। और आज जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई जो है एमसीडी ने की है, यानी कल जो है लगभग दोपहर के बाद गृह मंत्रालय ने एनएसए लगाए था 5 लोगों पर, ये भी एक बड़ी कार्रवाई थी। महज आज जिस तरीके से जहांगीरपुरी के अंदर यानी शोभा यात्रा के दौरान जो जिस तरीके से दंगाइयों ने शोभा यात्रा पे पत्थर लाठी डंडे पेट्रोल बम जो उन्होंने फेंका था, और आज जो है कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई हुई। बड़ी कार्रवाई होने के दौरान जो है एमसीडी की जो है 10 से 11 गाड़ी जो है बुलडोजर यहाँ पे आई और तभी अवैध तरीके से जो यहाँ पे अतिक्रमण थे उसको हटाया गया है। यानी के न्यूज के माध्यम से हम सभी दर्शकों को दिखा रहे थे लगातार सुबह से ही लड़ प्रसारण, यानी बुलडोजर जो है लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। यानी अब ये बात आ गई जिस तरीके से यूपी में योगी आदित्यनाथ ने ऐसे बुलडोजर पे जो है पावर लगाया था कि जिस तरीके से कोई भी अवैध निर्माण हो चाहे भूमाफिया हो तो बुलडोजर चलेगा। और आज कहीं ना कहीं दिल्ली का एक प्रथम ऐसा कार्रवाई हुई है जो एमसीडी ने बुलडोजर चलाया है, यानी बड़ी कार्रवाई जो है केंद्र सरकार की अगर मान्यता है तो ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए यहाँ पे ये जो आज बुलडोजर मंगवाए गए हैं और यहाँ पे जो अवैध रूप से बने हुए हैं जो सरकारी जमीनों पे इन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखी है वो हटना बहुत जरूरी था और ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। और लगातार दंगाइयों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। फिलहाल